वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखेंगे फाउंटेन एनिमेशन इन एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले शेप इंसर्ट करेंगे और कलर फिल करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक, 3D रोटेशन, 3D फॉर्मेट एंड देन सेलेक्ट डिज़ाइंस, कौन सा हम देना चाहते हैं टॉप से, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 100 100। और इसकी हाइट भी हमने ले ली, क्रिएट कर ली और इसे क्लोज, ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके ऐसे ऊपर रख सकते, ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते, ऐसे भी बना सकते हैं डिज़ाइन। और यदि ये डिज़ाइन नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। फिर इसको 3D फॉर्मेट में ले जाएंगे और एक डिज़ाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। और इस डिज़ाइन को और चेंजेस करना चाहते हैं तो हम बॉटम की वैल्यू को इनक्रीज़ कर देंगे, जहाँ 40 लिखा था उसको वैल्यू को 100 कर देंगे तो देखेंगे तो हमें ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसे सेलेक्ट करके ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद हम एक और शेप लेंगे और इसे सेट करेंगे जहां हम चाहते हैं, रिकलर, कलर चेंज करेंगे, आउटलाइन को नो, और एक और शेप लेके डिज़ाइन बनाएंगे वाटर ड्रॉप के, इसे कलर फिल और लाइन भी नो कर दी और इसे हमने 3D फॉर्मेट कर लिया। 3D फॉर्मेट में जाके थोड़ा सा इसे इफ़ेक्ट डाल दिया वाटर का और इसे Ctrl+C कॉपी पेस्ट कर देंगे और ऐसे इसे रिंग पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको कर लेंगे, पूरे रिंग को ग्रुप बना लेंगे, ऐसे रख देंगे और इस रिंग को ग्रुप बना के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और एक और शेप लेंगे और इसे भी 3D रोटेशंस एंड 3D फॉर्मेट एंड कलर फिल कर लेंगे। और जे हमें चाहिए हाफ हाफ तो हम इसे पिक्चर बनाएंगे, Ctrl+X पेस्ट स्पेशल से JPG, इसके एक्सटेंशन देने के बाद इसकी बैकग्राउंड उड़ाएंगे और इसे कॉपी कर देंगे, इसके दो रख लेंगे कॉपी पेस्ट करके और इसको हाफ ऑफ कर देंगे और दोनों को करेंगे सेट। और उसके बाद हम रिंग को इसमें क्रॉस कराएंगे, रिंग को रखेंगे और जो हमारा फ्रंट दिखाई दे रहा है उसे कर देंगे इन फ्रंट, पिछले बैक साइड और जो मोरलेस हमारी साइड दिखाई दे रही है इसे कर देंगे फ्रंट, तो ऐसे लगेगा जैसे रिंग इसमें बीच में क्रॉस कर रही है। अब रिंग को सेलेक्ट करके एनिमेशन लगाएंगे स्पिन, सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन लगाएंगे स्पिन, तो ये ऐसे स्पिन होगा और इसे भी अनटिल कर देंगे और इसकी विद प्रव्यूज और अनटिल कर देंगे। इसको हम क्लॉक जैंटी क्लॉक वाइज सेटिंग भी कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं और इसे दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमने इधर राइट साइड भी इसे लगाना है। और राइट साइड लगाने के बाद और जो हमारा दिखाई दे रहा है रिंग इसको फ्रंट कर दिया और हमने इनको भी सिलेक्ट और एक और शेप ऊपर इंसर्ट करेंगे रेक्टेंगल की और इसका कलर वाइट कर देंगे जैसे हमारी बैकग्राउंड है और लाइन को नो कलर, जो पीछे हमारा दिखाई दे रहा है डिज़ाइन उसे सिलेक्ट करके कर देंगे फ्रंट, तो ऐसे फ्रंट में आ जाएगा। उसके आगे देखेंगे जो हमारे इधर दिखाई दे रहे हैं रिंग इसे भी स्पिन की क्लॉकवाइज कर देंगे जैसे इधर एक तरफ कर देंगे क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज और इसे भी कर देंगे विद प्रवेश, ऐसे दिखाई देगा। थैंक फॉर वॉचिंग।